नमस्कार भाइयों, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी की जमानत मंजूर हो गई है। मैं अपने इस सुनहरे अवसर पर सभी कांग्रेसी जन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप लोगों की जो मेहनत थी, पुकार थी कि गरीबों के मसीहा, गरीबों के चहेते, गरीबों की आवाज़ उठाने वाले हमारे ऐसे जुझारू, कर्मठ, ईमानदार प्रदेश अध्यक्ष जी, आपकी जो जनभावना थी कि गरीबों की मदद हर स्तर पर इस लॉकडाउन में करेंगे, आज जो आपका जो सपना था कि इस लॉकडाउन में गरीबों की हम लोग मदद करते रहे, कांग्रेसी जन बढ़ चढ़कर उन गरीबों की मदद कर रहे थे, चाहे साझा रसोई हो, मास्क हो, चाहे उनको भोजन हो, हम लोग हर स्तर पे आपके सपनों को साकार कर रहे थे। कांग्रेसी जन एकजुट होकर इस सरकार में जिस तरीके से गरीबों के साथ लूट खसोट ये सरकार कर रही थी, जो कि वादे करती थी कि हम हर स्तर पे, चाहे युवा हो या गरीब हो, सबके लिए रोजगार लाएंगे। अभी हाल फिलहाल में देखा कि शिक्षक भर्तियों में जो घोटाला इसने किया है, वो महाघोटाला इस सदी का सबसे बड़ा महाघोटाला साबित हुआ है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इस घोटाले का जब पर्दाफाश हुआ तो वहाँ के कलेक्टर डीएम साहब और भी आईपीएस अधिकारियों का जो जिस तरीके से ट्रांसफर किया गया है, जो इस घोटाले का पर्दाफाश कर रहे थे, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। कांग्रेस पार्टी इस घोटाले को पर्दाफाश करवाएगी, ट्रांसफर अधिकारियों को करने से पर्दाफाश रुकेगा नहीं, उनके ये काली करतूतें रुकेंगी नहीं, क्योंकि ये युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, मजाक किया गया है। मैं कहना चाहती हूँ, सरकार जिस तरीके से ये विफल हो रही है गरीबों के, युवाओं के विकास के लिए, उनके हितों के लिए, तो इसका परिणाम भी इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसके लिए मैं अपने कांग्रेसी जन को पुनः